लगता है तुम्हें फ्लू हो गया है। फ्लू नाम तो सुना होगा, कॉमन इन्फेक्शन है लेकिन तंग बहुत करता है। बुखार, गले में दर्द, खांसी, पूरे जिस्म में तकलीफ, चिड़चिड़ापन, ना खाने का दिल चाहे ना ही कुछ पीने का, ये सब अलामतें हैं इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन या फ्लू की। ये सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने में तो बहुत ही बुरे लगते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही मज़ेदार राज है। ये सारे सिम्टम्स दरअसल बॉडी को इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? सुनो, अपने आसपास तो आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो खांसते हुए कोशिश करते हैं कि आपके मुंह पे खांसे। इन्हीं लोगों के जरिए ये इन्फ्लुएंजा वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है और आपके सेल्स को मारना शुरू कर देता है। इतनी देर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी वो बॉडी गार्ड्स आते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई, कंट्रोल में आ जा। वायरस अगर बच बचा के निकल जाए तो एक्टिवेट होता है प्लान बी। ये व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही जिद्दी होते हैं और हर हाल में वायरस को मार कर ही छोड़ते हैं, चाहे इसमें इंसानी जिस्म का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। एक्टिवेट मैस डिस्ट्रक्शन। और फिर नजर आती हैं वो सारी अलामतें जो फ्लू में नजर आती हैं। जी नादिया, अभी अभी हमें खबर मौसूल हुई है कि लोग वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, शुक्रिया। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं और वायरल इन्फेक्शन में ये बिल्कुल बेकार होते हैं। डॉक्टर साहब, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फर्क कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है। सुनो, जब हम CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल की तादाद जरूर नोट कर लें। अगर वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। अगर लिम्फोसाइट्स की तादाद नॉर्मल रेंज से बाहर हो तो इसका मतलब है इन्फेक्शन वायरल हो सकता है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन फ्लू से बचने का कोई तरीका तो बताइए। सिंपल है, मुंह पे और मुंह में हाथ डालने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लें। अगर कोई बीमार हो तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए और छोटे बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। और हाँ, आप सबको छींकने का सही तरीका तो बताया ही होगा ना? सही? गलत। छींकने का सही तरीका है ये। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक नहीं लीजिएगा। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आता है तो अच्छी बात है। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब। एक मुझे बात बताओ, क्या मुझे खुद सब चीजें करनी पड़ेंगी? मतलब मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार मुझे प्लीज शर्ट दे दो शुरू में, तो तुम मुझे आखिर में मुझे बता रहे हो, ये कोई तुक है ये? हर चीज अगर मुझे